gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. OnePlus ने फाइनली लॉन्च कर दिया है OnePlus S3 को, जो इंडिया में 23 जनवरी को OnePlus 12R के नाम से लॉन्च होने वाला है। और इस बार OnePlus 12R फ्लेक्सी फोन से कुछ कम नहीं है। फ्लेक्सी चिप, लार्ज बैटरी, फ्लेक्सी डिस्प्ले, फ्लेक्सी डिजाइन। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में OnePlus 12R का डिटेल रिव्यू। मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक शीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने मिलते हैं। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला व्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। इस बार फोन की डिजाइन भी फ्लेक्सी फोन जैसी ही मिल जाती है। फोन के बैक में टेक्सचर्ड काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इस बार फोन में फ्रेम भी मेटल की मिल जाती है। फोन का फ्रंट देखे तो प्रीवियस जनरेशन के कम्पेयर में चीन थोड़ी बड़ी मिलती है। इस बार चीन 1.94 mm तक पतली मिलती है और लेफ्ट एंड राइट जो बेजल्स है वो 1.36 mm तक पतली मिल जाती है। फ्रंट का लुक एंड फील इस बार मच मोर रिफाइंड देखने को मिलता है। और फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस बार फ्रेम भी मेटल की दी गई है और फ्रेम में टेक्सचर्ड भी काफी अच्छे मिलते हैं। और फ्रेम में सैंड ब्लास्टिंग प्रोसेस का यूज हुआ है, तो टच पे भी मैट टेक्सचर्ड की फील मिल जाएगी। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के साइन भी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। इवन फोन के बैक में भी टेक्सचर्ड काफी अच्छे यूज हुए हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बने हैं, तो यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट के साइन देखने को नहीं मिलेंगे। और फोन का एंगल चेंज करने से यूनिक बार लाइक टेक्सचर्ड देखने को मिलेंगे। फोन में कैमरा मॉड्यूल अपर लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस्ड किया है। इस बार कैमरा मॉड्यूल OnePlus 12 की तरह बड़ा नहीं मिलता है। बाकी फोन में स्क्रीन भी कर्व्ड मिल जाती है और बैक भी ग्लास का मिलता है और वो भी कर्व्ड मिलता है। और मिडिल फ्रेम भी आपको स्लाइटली कर्व्ड देखने को मिलेगी, यानी फोन की इन हैंड फील तो काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है। OnePlus 12R की स्क्रीन यहाँ पे 6.78 इंच की मिल जाती है और स्क्रीन हाइपरबोलिक मिलती है, तो फोन की फील काफी अच्छी मिलने वाली है। और कैमरा मॉड्यूल की ट्रांजिशन इफेक्ट भी अच्छी मिल जाती है। एज अ मिड रेंज फोन, फोन के ओवरऑल डिजाइन काफी सुपर्ब मिलती है। फोन में डिस्प्ले की बात करें तो इस बार फोन में चाइनीज मैन्युफैक्चरर BOE की टॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रीन में रिजोल्यूशन 1.5K का मिल जाता है और स्क्रीन में LTPO वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। और डिस्प्ले मेट ने इस डिस्प्ले को A+ सर्टिफिकेशन रेटिंग दिया है। डिस्प्ले लुक में तो अच्छी है, फील भी काफी अच्छी मिल जाती है। इस डिस्प्ले में आई प्रोटेक्शन भी काफी तगड़ा दिया है। 2160 हर्ट्ज का हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग फीचर भी मिलता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हाई ब्राइटनेस में भी स्क्रीन फ्लिकर इश्यू कम से कम देखने को मिलेगा। स्क्रीन में पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स तक मिल जाती है। मैनुअल ब्राइटनेस देखें तो 800 निट्स तक मिलेगी और ग्लोबल पीक ब्राइटनेस 1700 निट्स तक मिल जाएगी। OnePlus 12R के परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाता है। वैसे हाल ही में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है, जो इस साल का फ्लैगशिप है, लेकिन 8 Gen 2 भी कुछ कम नहीं है, वो पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। फोन में Jensen Impact 810p रिजोल्यूशन में 27 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 59.3 FPS तक मिल जाती है। वन और सुमेरियो मैप के खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 55 FPS तक मिल जाती है और फ्रंट का टेम्परेचर 46 डिग्री तक जाता है और जो बैक का टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक जाता है। बाकी फोन में कलर OS 14 मिल जाता है, LPDDR5X रैम मिलती है और UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाता है। तो ये ट्रायंगल काफ़ी बढ़िया है, टॉप नॉच स्पेक मिलते हैं। तो डेली यूज़ में फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलने वाला है। इवन बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्स भी यहाँ पे एक्टिव रखी है, उसके बाद भी गेमिंग परफॉर्मेंस सुपर्ब मिल जाता है। OnePlus 12R के बैटरी की बात करें तो 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 100 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। एक्चुअल टेस्ट में बैटरी को 0 to 100% चार्ज होने में करीब 29 मिनट्स लगते हैं, लेकिन फोन में एक सरप्राइजिंग बात लगी। फोन में स्टैंड बाई पावर कंजम्पशन फुल्ली ऑन है। अंडर वाईफाई ओनली 5% ऑफ द स्टैंड बाई पावर इज लॉस्ट फॉर 10 आवर्स। तो यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिल जाता है। फोन को मीडियम टू हेवी यूज़ करने के बाद भी बैटरी आसानी से एक दिन चलती है और 4 घंटे स्क्रीन ऑन रखने के बाद भी बैटरी 60% तक रिमेनिंग रहती है। अब यहाँ पे इस फोन में हेवी बैटरी टेस्ट करें तो 1 घंटे यहाँ पे 300 निट्स की फिक्स ब्राइटनेस रखी है, 1 घंटे ब्राउजिंग किया है, 1 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग, 30 मिनट्स मीडियम लोड गेमिंग की है, 30 मिनट्स Genshin Impact खेलिए और 30 मिनट्स ड्रीम स्टार, जो Genshin Impact से भी हेवी गेम है। एंड फाइनली एंड ऑफ द डे 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम रहता है तो भी बैटरी 31% तक रिमेनिंग रह जाती है
ऑल ओवर फोन में बैटरी लाइफ सुपर मिलती है। वन प्लस 12R में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 सेंसर मिलता है, जो सेंसर साइज 1x1.56 इंच की मिलती है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ भी आता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है, और 2 मेगापिक्सल का 4 सेंटीमीटर मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। एज अ मिड रेंज फोन कैमरा परफॉर्मेंस तो मेन कैमरा पे ही डिपेंड करता है। आप सैंपल फोटोज भी देख सकते हैं। Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. All over, main camera के photos काफी अच्छे देखने को मिलता है, even expectation से ज़्यादा better है। ऊपर से phone में advanced HDR का feature भी मिल जाता है। OnePlus 12R के price की बात करें तो China में 2599 चीनी वन से शुरू होती है, जो Indian rupees में convert करें तो करीब 30,000 के around होती है, यानी इंडिया में 35,000 के around आ सकती है। तो अगर इस प्राइस रेंज में आता है तो ये इस सेगमेंट का बेस्ट फोन होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल ही मिलता है, मेन कैमरा भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर है, ऊपर से बैटरी भी सुपर मिल जाती है, और इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले भी LTPO सपोर्ट के साथ मिलती है, और क्या चाहिए फोन में। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं OnePlus 12R के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों इसके कॉम्पिटिटर भी अगले महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जो तगड़े स्पेक्स के साथ लॉन्च होगा और सुपर डिजाइन के साथ आएगा। तो ये कौन सा फोन है, तो फोन का नाम मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए X.com फॉर्मली ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। Yeah, about to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody